जो माता रानी के इस कवच का पाठ करते रहेंगे, 3 लोक 14 भुवनों में कोई ऐसा नहीं है जो उसको पराजित कर दे, जीत होगी उसकी। और जीवित वर्ष शतम, सत कहते हैं 100 को, दुर्गा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति 100 वर्ष तक धरती पर जिंदगी जी के जाएगा। साग्रम अपमृत्यु विवर्जिता, अपमृत्यु कहते हैं अकाल मौत, उस व्यक्ति की कभी अपमृत्यु यानी अकाल मौत नहीं होगी। अकाल मृत्यु कहाँ कहाँ मानी जाती है? अकाल मृत्यु अग्नि में जलने पर, जल में डूबने पर, बिजली के द्वारा मृत्यु, पहाड़ से गिरने पर मृत्यु, सांप के डंसन आदि से होने वाली मृत्यु को अपमृत्यु, दूसरे शब्दों में जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो जो ये दुर्गा कवच का पाठ करते हैं इस तरीके से उनकी मृत्यु नहीं होती। दुर्घटना में वह अपना जीवन छोड़ के नहीं जाता, छोटी उम्र में अपना जीवन छोड़ के नहीं जाता। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरम जंगम चैव कृतम चापयेत् विषम। मकरी, चेचक, कुष्ठ रोग आदि संपूर्ण व्याधियां दुर्गा कवच के पाठ करने से समाप्त हो जाती हैं। आप जानते हैं माताएं निकलती हैं, जानते होंगे, और कभी कभी ये माताएं निकल के चली जाती हैं लेकिन पूरा चेहरा खराब हो जाता है, वो धब्बे से पड़ जाते हैं, उसका वर्णन है इसमें, उसको चेचक कहते हैं। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरम जंगमम चैव कृतम चापयेत् विषम। मकरी, चेचक, कुष्ठ आदि ये संपूर्ण जो व्याधियां हैं यह दुर्गा कवच करने वाले व्यक्ति के पास तक नहीं आ सकती हैं। बीमारियां आएंगी भी तो आते ही नष्ट हो जाएंगे, यह प्रभाव है। जो दुर्गा कवच का पाठ करता है उनके ऊपर भांग, अफीम, धतूरे आदि का तो प्रभाव नहीं चढ़ता, नशा नहीं चढ़ेगा इन सब चीजों का। स्पष्ट लिखा है, बड़ी अद्भुत बात कही है, भांग, अफीम, धतूरा आदि का नशा नहीं चढ़ेगा, बिष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से उसकी कभी मौत नहीं होगी, जहर नहीं चढ़ेगा। मुझे प्रमाण कहाँ से लेने की जरूरत है? 2-4 बार लोगों ने तो हमें जहर दे दिया, हम जिंदे हैं भगवान की कृपा से, दुर्गा कवच का पाठ किया है। हम जैसा आदमी कहाँ किसका क्या बिगाड़ेगा, हम तो स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, लेकिन उद्दंडी तो मानते नहीं है, वो तो कर देंगे कुछ न कुछ।